चारों ही मेरे लिए सही लड़की है। मयंक, भाई साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये लड़का कब से बकवास किए जा रहा है। कुंजन के साथ शादी करने का फैसला तो इसी का था, हम में से किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। बोलो मयंक, ये फैसला तुम्हारा था ना? और इस बच्ची ने ऐसा क्या किया जो तुम ये नाटक कर रहे हो? आप सब हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं? हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा, चुप रहो तुम। बोलो मयंक, गलती हो गई मुझसे। आप सबके खिलाफ जाके इस लड़की से शादी करने का फैसला करने को। मैं तो बनारस जैसे छोटे शहर का एक लड़का हूं, जिसके साथ टाइम पास तो किया जा सकता है, लेकिन शादी नहीं। पूछिए इसके फ्रेंड से। आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि हाई फाई गुंजन ने कैसा लड़का चूज कर लिया है। यही सोचते हैं ना आप भी? ये तो जोड़ा ही गलत है। और ये बात मुझे थोड़ी देर से ही सही, लेकिन समझ तो आई। क्यों, सही पहचाना ना मैंने तुम्हें? नहीं मयंक, मैं ऐसी नहीं हूं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई? गलत फहमी हुई थी गुंजन, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या बोल रहे हो मयंक? तुम्हें कैसे कह सकते हो? ओ, तो अब मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? प्लीज मयंक, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैंने तुम्हें, इस परिवार को, सबको मन से अपनाया था। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये छोटे शहर के लड़के एंड ऑल दैट। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम झूठ बोल रही हो गुंजन। नो मयंक, देखो इस वक्त तुम गुस्से में हो। एक काम करते, बैठ के बात करते। प्लीज मुझ पे भरोसा करो। भरोसा? और तुम पे? आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। ओके, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो गुंजन। इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? तुम चुप करो रचना। बस करो मयंक, तुम हमारे साथ चलो। इस वक्त तुम्हें होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं ताईजी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप इस गुंजन से पूछिए ना, इसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। सोच रही होगी कि इस मिडिल क्लास लड़के से अपने आप ही पाला छूट गया। आप जानती नहीं है ताई जी, बहुत ही सोच समझ कर इसने मुझे उकसाया ताकि मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। हर बात पे इसने मुझे यही फील कराया कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं। चारू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे चारू? मैं जैसा भी हूं, मुझे स्वीकार करोगी? मयंक जी, हम आई एम सॉरी चारू, मैं जानता हूं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। इस तरह सबके सामने, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। जो गलती मैंने की है मैं उसे सुधारूंगा। बेटा तुम होश में नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। हमारी इज्जत की थोड़ी तो परवाह करो। तुम जाओ घर से। आप सब लोग मयंक को ही दोष क्यों दिए जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, हम कहना नहीं चाहते थे,
लेकिन जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा ही हो रहा है। और इस सब की वजह है ये गुंजन। ये लड़की सिर्फ अपने मन की करती आई है। अभी इसने हम लोगों की परवाह नहीं की, दुखी दिया इसने सिर्फ हमें। सीमा, अपने नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत करो, तुम चुप रहो। हाँ, यही तो करते आए हैं आज तक, हमेशा चुप ही रहे हैं, सबको हमेशा समझाते बुझाते रहे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस लड़की को हमने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दिलों में जगह दी। क्या ये लड़की अपने आप को थोड़ा सा बदल नहीं सकती? हमारे रीति रिवाजों की थोड़ी सी इज्जत नहीं कर सकती? क्यों आखिर इसमें इतना अहंकार क्यों? छोड़ के नहीं जाएंगे। प्लीज कुंचन, शांत हो जाओ प्लीज। इस वक्त तुम दोनों गुस्से में हो, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वरना महिंग भैया इसे कभी बात नहीं करते। प्लीज कुंचन, हमें समझाना होगा। और रहने दो रचना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिंग ने तो अपना मन बना लिया है ना, उसे लगता है कि मैं किसी की इज्जत नहीं करती, परवाह नहीं करती, अमीज नहीं है मुझ में। कुंचन, मैं झूठी हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसी हूँ ना, तो मैं ऐसी ही ठीक हूँ फिर, सबसे खराब, सबसे बुरी। नहीं कुंचन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जानती हो, हम जानते हैं और सब जानते हैं कुंचन, पर मैं नहीं मानता ना रचना। प्लीज कुंचन, अपने आप को संभालो, इसे मत रो। किस लिए संभालू रचना, और किसके लिए संभालू? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मौसी जी, नहीं बेटा, नहीं, रोते नहीं बेटा, हिम्मत मत हारो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? नहीं मौसी जी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपने देखा ना, मयंक ने मुझ पे कैसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाया, वो भी सबके सामने बोलता गया। मौसी जी, आपको तो सब कुछ पता है ना, आप बताइए क्या मैं ऐसी हूँ? नहीं बेटा, मैं तो आप सबकी इतनी इज्जत करती हूँ, और आप सबने भी मुझे इतने प्यार से अपनाया है, फिर देखा ना मैं क्या क्या बोलता चला गया। ना बच्चा ना, रोते नहीं बच्चा, नहीं, सब ठीक हो जाएगा कुंचन, तुम बस हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। और हमें अंदाजा है ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बधाई हो दीदी, बधाई हो। अरे तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। मयंक ने खुद ही उस नाचड़ी गुंजर को ठुकरा कर चारू का हाथ थाम लिया। सर दीदी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भाई अब जाकर हमें इतने महीनों के बाद चैन की नींद आएगी। नहीं नहीं दीदी, हमें अभी चौकन्ना रहना होगा, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि वो गुंजन की बच्ची कितनी चालाक है, शेर दीदी के साथ मिलकर वो पूरा खेल बदल सकती है। मयंक और चारू की फटाफट शादी करवा देते हैं, नहीं ऐसा ना हो कि। अरे चुप चुप बोलो, ऐसे बुरे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। तुम चिंता मत करो,
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। काश मैंने चारू से शादी करने के लिए ना नहीं कहा होता। मैंने तय कर लिया है कि मैं चारू से ही शादी करूंगा। ये सब क्या हो गया जी? आप बहुत परेशान हैं ना? हमें माफ कर दीजिए। हाँ शेर, बहुत परेशान है। लेकिन तुम क्यों माफी मांगती हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने मयंक पर हाथ उठाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मयंक ने किया वो भी तो सही नहीं है ना जी? उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है उसने। क्या ये वही मयंक है जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए? यकीन ही नहीं आ रहा है। वो ऐसे कैसे कर सकता है जी? ये आजकल के बच्चे, समझ में नहीं आता इन्हें कैसे समझाएं। हमेशा अपनी ही मर्जी के करते हैं, जिंदगी के इतने बड़े फैसले ऐसे चुटकी में ले लेते हैं। पहले तो दोनों ने मिलके शादी का इतना बड़ा फैसला ले लिया, हमने सोचा चलो ठीक है, हमारी इतनी बदनामी हुई, लोगों ने इतनी बातें कही हमें, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमने हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन ये मयंक इस मोड़ पर आकर पीछे हट रहा है, रिश्ते को तोड़ रहा है। नादानी है, बचपना है, जाने कब समझ में आएगी उसके। बाकी सबका तो पता नहीं जी, लेकिन रचना की सास सावित्री जी क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? हाँ शहर, हमें भी इसी बात की चिंता। हमें जल्द से जल्द विहान और रचना की सगाई करवा देनी चाहिए, इससे पहले कि उनका मन बदले अंगूठियां पहनवा देनी चाहिए। और रही गुंजन की बात, तुम उसका ख्याल रखो शैल, वो सदमे में है। हम प्रभु और मयंक से बात करते हैं, रिश्ते ऐसे ही तोड़े नहीं जा सकते। देखो शैल, हमने गुंजन की जिम्मेदारी ली, हम उसके लिए वो सब करेंगे जो उसके लिए अच्छा है। जल्दबाजी में लिए गए हर फैसले जिंदगी बर्बाद कर सकते। हमें तो समझ में नहीं आता कि अगर आकाश जी हमें फोन करेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। बेटा शांत हो जाओ, तुम पहले ही अपने इंटरव्यू की वजह से इतने परेशान हो और ऊपर से ये सब, तुम भी क्या करते? बेटा अच्छा ही हुआ तुमने उस लड़की से अपने मन की बात कह दी, वरना अंदर ही अंदर तुम घुटते रहते। बेटा हम जानते हैं कि तुम उसे मन ही मन अभी भी बहुत प्यार करते हो। हम तुम्हारी माँ है, तुम्हारी तकलीफ हम इस तरह से नहीं देख सकते। इसलिए अगर वो खुद आकर तुमसे माफी नहीं मांगती है तो हमने तय किया है कि तुम्हारी तरफ से हम ही जाकर उससे माफी मांग लेते हैं। नहीं मां, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गलती गुंजन ने की है, माफी भी गुंजन ही मांगेगी। आपसे भी और पूरे परिवार से भी। मयंक,
हो सकता है गुंजर ने कोई गलती की हो, लेकिन आज तुमने जो किया है वो भी सही नहीं था। तुमने सीधा उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया और बिना सोचे किसी दूसरी लड़की का हाथ थाम लिया। नहीं मयंक, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अंदाजा भी है वहां पर कितने लोग आए थे? रचना के होने वाले सास ससुर पति सब थे वहां। दीदी आपको सिर्फ मयंक की गलती। सीमा, गलत क्या है सही क्या है ये हम बाद में देखेंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो किसी भी लड़की के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। बेटा, अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है या अगर कोई और बात है तो तुम गुंजन से बात करो ना, आपस में बात करके एक हल निकालो। लेकिन ऐसे इस तरह सबके सामने इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। आराम करो और शांत हो जाओ, हम कल बात करेंगे। और सीमा, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा खुश रहे सुखी रहे, तो इसे आराम करने दो। बार बार उन्हीं बातों को मत दोहराओ, मत याद दिलाओ इसे। तुम हो मयंक, और इस बार हमेशा की तरह मैं पहल नहीं करूंगी। आ नहीं सकते तो एक फोन तो कर ही सकते हो ना। कितना घमंड है इस लड़की में, एक बार आकर मुझे मना भी नहीं सकती। वो क्या आएगी, वो तो यही सोच रही होगी कि मैं जाके खुद उससे माफी मांगूंगा। लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं, गलती उसने की है, माफी भी वही मांगेगी। चलो गुंजन, तुम भी थोड़ा खा लो। नहीं मौसी जी, मेरा मन नहीं। बेटा, मयंक से बात हुई? कोई बात नहीं, तुम पहले कुछ खा लो। मौसी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? क्या आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाए रखती जो आप पर भरोसा ही नहीं करता है? अब इसमें हम क्या कहें बेटा, तुमने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का साथ दिया इतने मुश्किलों में, उसी प्यार ने उन मुश्किलों से लड़ना सिखाया तुम दोनों को। सबके सामने मजबूती से डटे रहे, कोई तुम्हें जुदा नहीं कर पाया। और फिर ये औरत होने के नाते हम तुमसे बस एक ही बात कहेंगे, अकेले अपने अपने रास्तों पर चलना बहुत आसान है, लेकिन एक साथ मिलकर एक ही रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है गुंजन। और फिर तुम खुद ही समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिंदगी के फैसले तुम खुद ले सकती हो। पर एक बात तुमसे जरूर कहेंगे गुंजन, अपने आत्मसम्मान को कभी खोने मत देना बेटा, वरना सारी जिंदगी
सर उठाकर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है।